हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी जय माता जी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दिल से। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब परिवार में दो बहुएँ हों, एक दहेज लेके आई हो, एक बिन दहेज की हो, तो जो दहेज लेके नहीं आती है उनकी ऐसी दुर्दशा होती है कि उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो गरीब की बेटी है। जिसके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं उसको घर में रखने दिया जाता है, जिसके नहीं सपोर्ट करते हैं उसको निकाल दिया जाता है। ये दहेज 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 कब तक चलेगा? बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद रहेगी। आप लोग ज़रूर बताइए, आप लोग दहेज प्रथा बंद करवाइए, नहीं तो कितनी बेटियों की क्या दशा होगी कुछ समझ में नहीं आता है। दहेज लेके आए बहू तो उसको बहुत इज्जत दी जाएगी, उसको पूरे महलों में बैठा के उसका खूब आदर सम्मान किया जाएगा। जो दहेज लेके नहीं आई उनको जाओ तुम तो गरीब की बेटी हो, तुम तो दहेज लेके नहीं आई, ये नहीं की वो नहीं की। इस टॉपिक को लेके हमेशा लोग परेशान करते हैं, वो जिल्लत की ज़िंदगी बहुएँ कैसे जीती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग कृपया कर बहू बेटी की इज्जत करें। दहेज बहुत दिन तक नहीं टिकता है, वही एक दिन आपकी बहू भी आपकी बुढ़ापे का सहारा बनेगी। दहेज क्या करोगे, दहेज सिर्फ 4 दिन रहेगा, उसके बाद दहेज नहीं रहेगा। फिर भी लोग नहीं मानते हैं। शादी में क्या है भैया, क्या दे रहे हो? लड़की के पिताजी गए शादी देखने के लिए, पूछते हैं भैया क्या दे रहे हो, दहेज में क्या दे रहे हो? गाड़ी घड़ी सीकड़ अंगूठी चाहिए मुझे, 51,000 रुपया चाहिए मुझे, 1,00,000 रुपया चाहिए। तो बताइए भैया, ये दहेज की दुनिया है, ये नहीं देख रहे हैं लड़की सुंदर है, पढ़ी लिखी है, करती भी है, घर में रहेगी, पढ़ी लिखी है, आगे जॉब भी कर सकती है, कुछ नहीं, बस दहेज चाहिए, दहेज लो, दहेज। दहेज के चक्कर में चलते हुए ठीक है, और